हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, यहाँ आपका एक बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद ख़ास टॉपिक मैं आपका लेकर के आया हूँ कि बहुत कम समय में मिरर बुक को कैसे पढ़े। गाइस, इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक आपके सामने, आपने कई बार उसको देखा होगा। गाइस, बुक है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर। यस, इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करूँ तो मुझे ये बुक्स अभी तक की ग्रामर बुक में सबसे बेस्ट बुक नज़र आती है। गाइस, यानी कि जो नॉलेज अशोक कुमार सिंह जी ने अपनी यहाँ पर साझा की, मुझे अभी तक इतनी नॉलेज किसी टीचर में देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर मिरर बुक को आप अब एग्ज़ाम से पहले किस तरह से फिनिश कर सकते हैं, गाइस, उनके लिए यहाँ पर बात करने आया हूँ मैं यहाँ पर। अभी गाइस, यहाँ पर अक्टूबर में ही कुछ एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे बच्चों के CHSL के, नवंबर में कुछ एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे आपके CGL मेंस के, और उसके बाद दिसंबर में आपके स्टर्नो के एग्ज़ाम शुरू हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये कह सकते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो गया है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगातार 3 मंथ्स आपके एग्ज़ाम हैं, और उसके बाद SSC ने अपना नया कैलेंडर भी जारी कर दिया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, फिर आपके लगातार एग्ज़ाम होने हैं। गाइस, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जो बहुत कम समय में इसको फिनिश करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक प्लान मैं उनको बताना चाह रहा हूँ जिससे कि वो अपनी मिरर बुक को बहुत कम से कम समय में फिनिश कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसके अंदर लगभग 400 के आसपास सेट हैं, बेहद होते हैं सेट, वो 400 प्लस इसके अंदर सेट है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी हैं, बहुत इनफ हैं। लेकिन गाइस, यहाँ बच्चों के अक्सर ये रिक्वायरमेंट रहते हैं कि अगर इसके ग्रामर मेरी फिनिश हो जाए तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। देखिए गाइस, ग्रामर से खाली इसकी काम नहीं चलेगा, ये बात सत्य है कि अशोक कुमार सिंह जी ने बहुत ही शानदार बुक आपके सामने प्रस्तुत की है, लेकिन गाइस, इसकी ग्रामर आपके SSC के एग्जाम्स को देखते हुए इनफ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। यस गाइस, ग्रामर इसकी इतनी इनफ नहीं है कि आप लोग अपना एग्जाम क्रैक कर जाएं। सो यहाँ पे गाइस, हमें पढ़ना कैसे होगा इसको, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत कम समय में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, खासकर उनके लिए जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कंटिन्यू चली रही है बुक ये वाली, लेकिन वो बच्चे जो चाह रहे हैं कि मुझे 20-25 दिन में बहुत कुछ मिल जाए, सो उनको मैं बता दूं गाइस, यहाँ पर क्या करें आप लोग, आप इसके प्रैक्टिस सेट करना शुरू करें। गाइस, क्या करना शुरू करें, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर से बात वाले नहीं, वो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो उसने अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिए, सेट 1 से लेकर के जहाँ तक भी आप कर सकते हैं वहाँ तक। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप सेट 1 से सेट 100 तक भी कर ले तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आप मिरर बुक को 100 सेट तक भी फिनिश कर लेते हैं तो ये आपके लिए अपने आप में ही काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद आपके क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। गाइस, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन छोड़ करके मोस्टली क्वेश्चंस यानी कि रूल्स जो है आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बुक अगर आप 100 सेट तक फिनिश कर लेते हैं तो आपको इसके ग्रामर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए, मिनिमम हर सेट के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन हैं हर सेट में, अगर आप 100 सेट कर रहे हैं तो यानी कि लगभग आप 1000 क्वेश्चन जो हैं इसके कर पाएंगे, और वो भी कितने कम समय में आप सोच नहीं सकते। मैंने इसकी सेट 1 से लेकर के सेट 100 तक की कंप्लीट वीडियो बना दी हैं, जिसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं मिरर बुक न्यू फोल्डर के नाम से, जहाँ पर सेट 1 से सेट 100 तक का पूरा सोल्यूशन हमने बच्चों को दिया है। गाइस, वहाँ पर यहाँ पर आप लोग सेट 1 टू सेट 100 डेली कम से कम एक टारगेट बना लें, अगर आपको 20 डेज में फिनिश करना है तो आप इसको 100 को 20 से डिवाइड करें। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी 100 वीडियो बनाई है, वीडियोस की संख्या बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि कई बार मैंने 2 या 3 सेट भी एक एक वीडियो में फिनिश करवाए हैं। तो आप जाकर के पहले चेक करें कि कितनी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं फोल्डर के अंदर, और फिर आप उसको उतने ही दिन में, जितने दिन में आप इसको फिनिश करना चाह रहे हैं 10 डेज में 20 डेज में, आप उसको उससे डिवाइड करके याद कर लें पूरी वीडियो को। सो गाइस, ये तो रहा एक तरीका आपका, आपका 100 सेट अगर आप कर लें तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी कमांड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि 100 सेट तो कम है, मुझे इससे ज़्यादा करने हैं, तो गाइस यहाँ पर मैंने इसके लास्ट से भी सेट कराए हैं शुरू, लास्ट में 164 से मैंने इसके सेट कराना शुरू कराए हैं, जो कि हम लोग 256 के आसपास से लेके गए थे, शायद मेरे ख्याल से 264 तक ही होंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 100 सेट इसके और लगवाए हुए हैं, यानी कि 100 एंड के और 100 स्टार्टिंग के अगर आप सेट कर लेंगे तो यहाँ आप लोग 200 सेट कर लेंगे, फिर आपको ये बुक जो है शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, यस, इस पूरी बुक की ग्रामर को आप चुटकियों में फिनिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, विद इन 20 डेज, यानी कि अगर आप लोग डेली 10 सेट फिनिश करते हैं, 10 सेट से मतलब पूरी 10 वीडियोज नहीं देखनी पड़ेंगी मेरी, कोई भी वीडियो मिरर बुक की 10 से मिनट के ऊपर की नहीं है,
10-15 मिनट की मैक्सिमम वीडियो है, अगर आप डेली इस वीडियो को देख लेते हैं सो गाइस आपका अपने आप में ये बुक फिनिश होने वाली है। और अगर आपने इस बुक को कर लिया सो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ग्रामर आपके हाथ से छूटने वाली नहीं है, चाहे वो कॉमन एरर हो, सेंटेंस फिलर हो, या गैप फिलर हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, आप कोई है पोर्शन ग्रामर करके आएंगे तो अपना में बहुत खास है ये बुक। कैसे आप इसको फिनिश करें 20 डेज में, मैंने आपको प्लान बताया, 20 डेज का टारगेट लीजिएगा, मेरे नंबर ऑफ वीडियोस गिनिएगा, मान लीजिए मेरी टोटल वीडियोस जो हैं, टोटल वीडियोस मान लीजिए कि 120 के आसपास है, आप इसको 20 से डिवाइड कीजिएगा, आप लोग डेली 6 वीडियो देखेगा कम से कम, डेली 6 वीडियो देखनी है आपका, ये आपका 20 डेज में पूरा फिनिश हो जाएगा। यस गाइस, सो इस तरह से आप मिरर बुक फिनिश कर सकते हैं, लेकिन आप इसके शुरू की ग्रामर पढ़ने की कोशिश ना करें, जो शुरू में इसने ग्रामर दिया है गाइस उनको पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ग्रामर आपके इनफ नहीं है एग्जाम के हिसाब से, और इसकी प्रैक्टिस करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वो प्रैक्टिस कीजिए जो एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस है इसके सीधा। यस गाइस, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं सेट आपके सामने सेट नंबर 16, तो ये वाले सेट कीजिए आप सिर्फ सेट 1 से लेकर के सेट 100 तक, और 164 से 264 तक, जिसके दोनों फोल्डर हमारे YouTube पर हैं, ओल्ड के नाम से और न्यू के नाम से। यस गाइस, तो इस तरह से आप अपनी कमांड बनाइए इस बुक के ऊपर और अपने अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक ही है, बस अब तैयारी है आपकी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी वीडियो बना करके अपना काम ख़त्म कर दिया है, आपका काम शुरू हो गया है। सो गाइस आज लेते आपसे यहीं विदा, करिए तैयारी अपनी, गुड लक, हैव अ नाइस डे।